हेलो एट्थ क्लास स्टूडेंट्स, वेलकम इन बाल भारती पब्लिक इंटर कॉलेज क्लासेस एंड आई एम आनंद मिश्रा, योर साइंस क्लास टीचर। और आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है प्रॉपर्टी प्लास्टिक, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक का मतलब हो गया प्लास्टिक के गुण, है ना, प्लास्टिक के गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों की मीडियम, इसमें कि आप लोग अच्छे से समझेंगे इस चीज़ को और पूरी तरीके से इस चीज़ क्लियर कर लेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक, तो प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक में क्या होता है, ये चीप क्या होती है, चीप मतलब होता है सस्ता, क्योंकि प्लास्टिक कैसी होती है, सस्ती होती है। और दूसरी चीज़ लाइट यानी हल्की होती है, कैसी होती है, हल्की है। उसके बाद डिफरेंट कलर्स यानी विभिन्न रंग होती है, डिफरेंट कलर्स यानी अलग कलर्स में ये मिलती है। फिर इसके बाद प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में भी हम बात करें, और अच्छी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी क्या है इसकी, दूसरी प्रॉपर्टी इसकी ये है कि दे आर स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबल। स्ट्रॉन्ग का मतलब समझ रहे हैं ना, स्ट्रॉन्ग का मतलब यहाँ पर इससे है कि यानी मजबूत होती है, ड्यूरेबल यानी इसका यूज़ हम कहीं पर भी कर सकते हैं, ड्यूरेबल होती है ये। ड्यूरेबल होने के साथ साथ ये रेजिस्टेंस टू कोरोजन होती है, यानी रेजिस्टेंट टू कोरोजन का मतलब यहाँ पर कि ये सड़ती नहीं है, क्या होती है, सड़ती नहीं है, विशेष ध्यान रखना है आपको। इसके बाद दे कैन बी माउल्डेड टू एनी शेप व्हेन हॉट, तीसरी प्रॉपर्टी यानी माउल्ड। माउल्ड तो यहाँ पर होता है हम इसको किसी भी ढांचे में ढाल सकते हैं, इसको किसी भी प्रकार का ढांचा बना सकते हैं, यानी किसी कोई शेप और साइज हम इसका बना सकते हैं, यानी किसी भी प्रकार का आकार हम इसका बना सकते हैं। चौथी प्रॉपर्टी जो इसकी हो गई ये क्या होती है, सेंसिटिव टुवर्ड्स हीट, सेंसिटिव हीट होती है, मतलब कि ये हीट की तरफ सेंसिटिव, यानी इसे गर्म करने पर क्या होती है, ये हल्की सी क्या जाती है, मेल्ट हो जाती है, धीमे धीमे जलने लगती है। एंड मेल्ट क्विकली ऑन हीटिंग, मेल्ट क्विकली ऑन हीटिंग, ये बात हमेशा आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद जो अगली प्रॉपर्टी आपकी प्रॉपर्टी अगली वाली जो प्रॉपर्टी आपकी आती है बैड कंडक्टर्स होती है, कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिक का मतलब यहाँ पर आप समझ में आ गया ना कि ये विद्युत और ताप की, विद्युत और ताप की क्या होती है, होती है क्या होती हैं, कुचा लक होती हैं, मतलब ना तो इनमें करंट और ना ये क्या होती हैं, गर्म होती हैं। अगली प्रॉपर्टी जो बता रहा हूँ मैं होती है ट्रांसपेरेंट होती हैं, ट्रांसपेरेंट होती है, ट्रांसपेरेंट मतलब यार पार देख सकते हैं। इसमें कई ओपेक भी होते हैं, ओपेक समझ रहे हैं, ओपेक का मतलब ये कैसी होती हैं जिनके आर पार नहीं देख सकते, और कई कैसी होती है, ट्रांसलूसेंट होती हैं। स्पेलिंग ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये ट्रांसलूसेंट होती हैं, ये तेल लगे कागज जैसी होती हैं, यानी कुछ प्रकाश कुछ लाइट आर पार निकल सकती है और कुछ नहीं भी निकल सकती है। ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी, ओपेक मतलब पारदर्शी, और ट्रांसलूसेंट मतलब अल्प पारदर्शी, यानी अल्प पारदर्शी का मतलब उसमें थोड़ी आगे बढ़ती है। अब हम आगे बढ़ते हैं आपको टाइप्स ऑफ प्लास्टिक के बारे में, टाइप प्लास्टिक, टाइप ऑफ प्लास्टिक क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। तो यदि हम बात करें टाइप ऑफ प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है थर्मो प्लास्टिक होता है, ठीक है, और एक होता है हमारा थर्मो सेटिंग प्लास्टिक।
थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मैं आपको इसके एग्जांपल बताऊंगा जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाए कि ये कौन सी चीज़। तो इसके आप एग्जांपल समझ लीजिए, जो थर्मोप्लास्टिक के जो एग्जांपल हैं वो आपने नाम सुना होगा पॉलीथीन, है ना, पॉलीथीन होती है, पॉलीथीन को आग लगाओ हो जाती है और जलने लगती है। पीवीसी नाम सुना होगा आपने, पीवीसी, पीवीसी भी आप लर्न कर लेना, पॉली कॉपी में भी लिखेंगे ये वाली चीज़, विनाइल और क्लोराइड, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल पॉली स्टाइरीन, आपने थर्माकोल देखा है, उसको पॉली स्टाइरीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉली स्टाइरीन बोलते हैं। और थर्मोसेटिंग में के जो एग्जाम्पल हैं इसके दो एग्जाम्पल बहुत मेन इंपॉर्टेंट हैं। एक होता है बेकेलाइट, जिससे हमारे प्लग बनाए जाते हैं, स्विचेस बनाए जाते हैं, और कुकर का, फ्राइंग पैन का जो होता है, जो हैंडल होता है वो बनाया जाता है। और एक होता है मेलामाइन, जिससे हम डिनर पर खाना खाते हैं, जो क्रॉकरी होती है वो मेलामाइन की होती है। और ये दोनों का पीते हैं, इनमें कभी भी आग नहीं लगती, ये कभी पिघलते नहीं हैं, नो मेल्ट, यानी कभी भी पिघलते नहीं हैं, कभी आग नहीं लगती, आग नहीं लगती, लेकिन चलने के बाद क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। लेकिन इनमें क्या हो जाती है, आग लग जाती है, ध्यान रखना है, आग लग जाए और क्या हो जाते हैं, मेल्ट जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं, विशेष ध्यान रखना। तो बेकेलाइट थर्मोप्लास्टिक समझ में आ गया, थर्मोसेटिंग समझ में आ गया, बुक की आपके पास है ही, इसे और अच्छे से समझ लीजिए, कोई दिक्कत हो दोबारा पूछ लीजिए। इसमें आपको क्या समझना है, अ प्लास्टिक सब्सटेंस विच कैन बी मेल्टेड रिपीटेडली बाय हीटिंग कैन बी माउल्टेड अगेन, इसको हम दोबारा क्या कर सकते हैं, माउल्ट कर सकते हैं, यानी पिघलाने के बाद दोबारा क्या कर सकते हैं, जमा सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, माउल्ट, नॉट सॉफ्टन ऑन हीटिंग का मतलब हो गया कि गर्म करने पे भी क्या होते हैं, पिघलते हैं, गर्म करने पे भी क्या होते हैं, कभी भी माउल्ट नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, और दोबारा इनको नहीं बनाया जा सकता। तो ध्यान रखना है ये वाला टॉपिक, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ पॉलीथीन के बारे में, आपका होमवर्क है कि जो पीटी है उसमें पॉलीथीन के बारे में आप लोगों को पढ़ना है, हिंदी मीडियम वालों को भी पढ़ना है, इंग्लिश मीडियम वालों को भी पढ़ना है कि पॉलीथीन कैसे बनी होती है। तो पॉलीथीन कैसे बनी होती है, इथाइलीन से बनी होती है, कैसी बनी होती है, इथाइलीन से बनी होती है, ये होता है मोनोमर कहलाता है, क्या कहलाता है, मोनोमर यानी एक लग होता है, ये एक लग कहलाता है, यानी बहुत सारे मोनोमर इस तरीके से जुड़ जुड़ के ये देखिए इस तरीके से जुड़ के बनाते हैं और बहुत बड़ी ये बना लेते हैं। पॉलीथीन कैसी है, पॉलीथीन का भी मैंने आपको बताया थर्मोप्लास्टिक है, कैसी है, ये थर्मोप्लास्टिक है, ये अनब्रेकेबल होती है, कभी नहीं है, ठीक है, कोरोजन रेजिस्टेंट होती है, कभी सड़ती नहीं है, और टफ होती है, टफ का मतलब मजबूत होती है, पॉलीथीन बहुत मजबूत होती है, टफ होती है, ध्यान रखना है आपको, TUGH यानी टफ होती है, मजबूत होती है, एंड फ्लेक्सिबल, कहीं पर भी सकते हैं आप इसको, ये फ्लेक्सिबल होती है, किसी भी छोटे से छेद में से निकल जाती है, इट इज़ रेजिस्टेंट केमिकल एक्शन बाय एसिड्स, ना इन पर कोई एसिड का फर्क पड़ता है, ना कोई इन पर बेस करता है, और ना ही कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का फर्क पड़ता है, और सबसे बढ़िया पॉलीथीन में नहीं आता, यानी हमें कहेंगे कि ये इलेक्ट्रिसिटी की क्या है, इंसुलेटर है, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी की कुचालक है, क्या है ये, कुचालक। इतना आप सब लोग, सभी लोग वीडियो को देखिए, अगले वीडियो में मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा और क्लियर कर दूंगा ये चैप्टर, जल्दी हमें चैप्टर क्लोज करके इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू।